संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने लव जिहाद के मामले को रोकने के लिए कानून बनाए जाने पर दिया विवादित बयान। आगामी विधानसभा चुनाव में लव जिहाद बीजेपी को खा जाएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनी खताएं और कमियां छिपाने के लिए नए नए कानून ला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम के हिंदू से शादी के मामलों को जुर्म नहीं माना है। योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवमानना कर रही है। इनके खिलाफ कोर्ट के निर्णय की अवमानना करने पर कार्यवाही होनी चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। सर, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने लव जिहाद पर एक अध्यादेश पास कर दिया है जिसके अंदर धर्म बदलने पर 10 साल की सजा है। तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक राय का सवाल है, मैं खुद से योगी जी से मालूम करना चाहता हूँ। वो मेरे साथ पार्लियामेंट में भी रहे चार मरतबा और इस बार चीफ मिनिस्टर हैं। यूपी की जितनी बुरी हालत है इस एतबार से कि अभी पिछले दिनों एक यानी दलित की बेटी के साथ जो जुल्म हुआ और उसका बलात्कार हुआ और उसको उसमें कोई ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, तो सारी हिंदुस्तान का जितना भी अपोजिशन था सब वहाँ डट गया इस बात के लिए कि हम उनके यहाँ जाएंगे और उनको तसल्ली देंगे। तो जाने नहीं दिया, इन्होंने लाठियाँ फेरवाई इस पर, यहाँ तक कि चौधरी चरण सिंह के पोते पर भी लाठी बरसाई और औरों के साथ भी वैसा ही सलूक किया। तो इनसे आज तक अभी तक ये बलात्कार तो नहीं रुक सका, चाहे वो मुसलमान के साथ हुआ, चाहे हिंदू लड़की के साथ हुआ, चाहे दलित लड़की के साथ हुआ, सबके साथ हो रहा। ये इंसानियत के एतबार से किसी की बेटी हो, बेटी वो हमारी है, और उसके साथ अगर इस किस्म का जुल्म होता है, उसके साथ बलात्कार होता है, उसके साथ उसकी बेइज्जती होती है, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कर नहीं सके और नए नए चीज़ें लाकर चूँकि अपनी इन कमियों को छिपाने के लिए और इन जो इनकी ये कमियां हैं और गलतियां हैं तो उनको छिपाने के लिए ये नए नए चीज़ें अभी ये लाए हैं। क्या नाम है, योगी सरकार जो है एक आइडियंस लाई है जिसमें लव जिहाद के नाम से कि साहब अगर कोई मुसलमान कोई अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ उसकी शादी हो जाती है तो वो 10 साल तक की सजा देने का भी ऑर्डर किया है। लेकिन इसी पर भी ये इसी लव जिहाद के सिलसिले में बहन मजहबी शादी जो होती है, यह एक मुसलमान है एक हिंदू है, इसमें इस शादी के मुतालिक हाई कोर्ट में जो पटिशन हुआ है उसमें जजमेंट उसका आ गया और उन्होंने कहा कि ये जुर्म नहीं है बिल्कुल, ये इसमें मजहबी कानूनी एतबार से भी आज़ादी है हर आदमी को। अगर दो आदमी अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए एक दूसरे से मुत्तफिक हैं और राज़ी हैं और वो होते हैं तो वो कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा, लेकिन ये अब इन्होंने इसके बावजूद भी ऑर्डिनेंस पास कर दिया अपने यहाँ को बुलाकर। तो क्या जैसे कि हम लोगों के ख़िलाफ़ ये कहते हैं कि साहब ये क्या कहते हैं उसको जैसे कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, समझ गए ना, तो उस सिलसिले में इन्होंने एक जुमला वो आता है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका फैसला दिया है। वो इससे पहले वो वकील साहब थे, वो मुझे अभी एक सेकंड रुक जाइए, वो नाम याद आ जाए मुझे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अब ये ला रहे हैं इसको, समझ गए ना, इससे पहले वो मैंने भी कहा था और उन्होंने भी कहा था कि ये कानून जो पास किया गया है या जो बाबरी मस्जिद के सिलसिले में या और किसी सिलसिले में कोई कानून पास होता है तो उसको कहते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो
तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है जो इन्होंने इसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनके इनको इनको गैर कानूनी करार दे दिया, जुर्म करार कहा कि ये जुर्म नहीं है, तो इनका ये कहना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है क्या? मैं इसको उसी तरीके से ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं मैं तो ये तो जब वो जुर्म ही नहीं बताती सुप्रीम कोर्ट कह रही है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसमें ये जुर्म ही नहीं है उस एतबार से भी, तो फिर ये इसको जुर्म कैसे बता रहे हैं वो उसको? अब लाने वाली हो तो ले आई। देखिए जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जुर्म नहीं है, गलत है, ये गलत लाया गया ऑर्डिनेंस, तो इसके बावजूद भी वो ऑर्डिनेंस लाए ले आए, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है क्या? ये भी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, इनके खिलाफ भी चलना चाहिए चीफ मिनिस्टर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मेरी मांग है। नहीं तो वो होगा वो ठीक है, कहीं भी हो ये सुप्रीम कोर्ट तो सारे मुल्क का है, सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है कि जुर्म नहीं है लफ्ज़ जिहाद, तो अब ये कैसे लाएंगे इसको? गैर कानूनी तरीके से कानून बनाएंगे और आर्डिनेंस लाएंगे इस तरीके से? तो ये तो अपने चूँकि इनसे गवर्नमेंट सही चल नहीं पा रही, गवर्नमेंट की बिल्कुल खोखली हो चुकी है, और ये कोरोना वायरस का तो इलाज ये नहीं कर पाए, कोरोना वायरस का कोई इलाज आज तक नहीं है, न ये बता पाए क्या क्या बीमारी है या इसका कोई वैक्सीन ना बना पाए, तो बजाय इसके इन्होंने उन सब चीज़ों को के इनके खिलाफ सवालात उठ रहे हैं उसको, और जितनी रेप हो रहे हैं ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए और दबाने के लिए ये नए नए कानून यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़, जिससे कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोग हों और हिंदू मुस्लिम चलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अपने जुर्म जो इनकी खताएं जो इनकी कमियां हैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं, ये नए नए चीज़ें लाते रहते हैं ताकि इससे जो नफरत बढ़े और हिंदू मुस्लिम झगड़े हालात ख़राब हों। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान तो हैं ही, चाहते ही नहीं किसी भी कीमत पर, लेकिन हिंदू भी सब ये नहीं चाहते कि साथ हालात बिगड़े, जी हाँ सब हिंदू भी थोड़े चाहते हैं, लेकिन आरएसएस का जो माइंडेड लोग हैं वो हिंदुस्तान के हालात बिगाड़ना चाहते हैं। इंशाल्लाह लफ्ज़ जिहाद ही इनको खा जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी हमारी इलेक्शन लड़ेगी और आप देखेंगे कि मुसलमान पर इन्होंने जो अटैक किया है ये इलेक्शन में यही लफ्ज़ जिहाद इनको खा जाएगा, आप देखिए इलेक्शन हम जीतेंगे इलेक्शन, समाजवादी पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी इस मुल्क इस उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये जितनी बातें कर रहे हैं अपनी बुराइयों को अपनी कमियों को छिपाने के लिए, ये सारी चीज़ें नई नई ला रहे हैं ताकि मुसलमान इसमें उलझ जाए, मुसलमान इसमें नहीं उलझेगा, ना मुसलमान मायूस होगा कभी, ना मुसलमान मायूस है, बल्कि मुसलमान और ज़्यादा डटकर इनकी मुखालफत करेगा, मुत्तहिद होकर इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ाएगा और ये लोग आपस में बिखर जाएंगे, आप देखिए, और यहाँ पर सरकार जो है समाजवादी की बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं कहता हूँ,
और अखिलेश जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो बहरहाल सबकी भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। समाजवादी जो कुछ भी समाजवादी ने किया है या करेगी वो मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क के आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, नया हिंदुस्तान बनाने के लिए हम आगे रोशनी देंगे इस बात की। नहीं, ये अब ये तो देखिए, ये तो ये हो सकता है कि भाई कुछ इसमें भी लोग सपोर्ट करें बीजेपी को हराने के लिए, अगर इस किस्म का कोई आपस में कोई तालमेल होता है वो भी हो सकता है। तो अभी मैं किसी का जिक्र नहीं करता किसका, लेकिन ये हो सकता है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इस पर भी गौर करेंगे, समझ गए ना। लेकिन इस वक्त अगर कोई नक्शा बदल सकती है, पार्टी कामयाब हो सकती है, वो फिर समाजवादी है, अखिलेश यादव के दम से ये चीज़ हो जाएगी। और मुलायम सिंह इसके सरबरा रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट भी हिंदुस्तान ने देखी है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि हालात जो हैं, क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं तो बीजेपी इस किस्म की चीज़ें ला रही है इसमें, ताकि मुसलमान हिंदू मुस्लिम हो जाए। इन पे तो कोई और कोई फार्मूला है ही नहीं। हाँ, अच्छा, अब जहाँ तक विकास का ताल्लुक है, रोज़गार का ताल्लुक है, अब रोज़गार देने के बजाय छीन रहे हैं। इन्होंने सारे मुल्क से रोज़गार, लाखों आदमी बेरोज़गार कर दिया, और रोज़गार छीन लिया तो ये मुल्क को कैसे चलाएंगे? और विकास फिर कैसे होगा, मुल्क का विकास, जब रोज़गार नहीं है आदमी के पास, दुकानदार के पास नहीं, आम आदमी के पास नहीं, भूखा मर रहा है, ये हो रहा है। 80 करोड़ से ज़्यादा तो देश के अंदर ऐसे लोग हैं जिन पर कोई बेचारों के सब कोई सहारा नहीं। तो इन हालात में बहरहाल बीजेपी घबराई हुई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, और यही नहीं कि ये घबराए हुए हैं खुद, यानी वो हमारे मोदी जी और जितने भी गवर्नमेंट हैं, और उनका तो अब जिक्र ही बेचारों का नहीं आता, क्या नाम है अमित शाह साहब का, उनका कहीं जिक्र नहीं आ रहा। पता नहीं ये आपस में क्या इनकी तालमेल है, कैसे हालात हैं। बहरहाल मैं कहूँगा कि यहाँ के हिंदुस्तान के आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज हिंदुस्तान का आवाम ये चाहता है कि गवर्नमेंट बदली जानी चाहिए। यह आवाम की मांग है। अभी इन्होंने बिहार के अंदर भी मांग यही थी, और बदलने के हालात बिल्कुल कगार पर थे, लेकिन इन्होंने उसमें बेईमानी करके, नाइंसाफी करके हालात बदल दिए और थोड़े से वोटों से हरवा दिया। जी अभी ये है, अब एक हिंदू लड़का मुस्लिम को ले जा रहा है, अभी अब मुसलमान हिंदू को ले जावे तो लफ्ज़ याद होगा, वो लफ्ज़ याद नहीं होगा क्या? तो सबके लिए है, तो इससे ये इसमें कोई मना नहीं है, ये तो दोनों का वो जवान है दोनों, समझिए अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनमें तालमेल बढ़ता है और वो होता है तो कर सकते हैं। शिकायत ये है कि ये इलीगल है बिल्कुल, ये जो कानून बना रहे हैं, ये कानून गलत है बिल्कुल।